मेरा ऑफिस नहीं है। अभी कहाँ बैठी होगी अपनी बीजी के पास अपने वीर जी के पैर दबाते हुए, इस घर की फिक्र थोड़ी ना उसे। शांति हो बीजी, आज पंचायत मीटिंग में आई थी वो, जासूसी करने मेरी, वहीं से चलता कर दिया मैंने उसे। बहुत चंगा किया तूने पुत्र। उसकी अकड़ गई नहीं है अभी तक, रोड़े अटकाती रहती है मेरे कामों। तू फिक्र ना कर, तू सिर्फ अपने काम वाल ध्यान, ठीक है? इस वीरा को तो मैं संभाल ही लूंगी, तू बस एक बार फैसला ले ले, फिर अगर इसने तेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी की ना तो पूरे पिंड की औरतों को ना इसके खिलाफ कर देना मैंने। और वैसे भी पिंड में एक बहू से सताई दुखियारी सास का साथ देने वाले ना बहुत लोग हैं, बहुत हमदर्दी जता देना। हाँ तो थोड़ी और दुखियारी बन के जाऊंगी ना सबके सामने, तो देंगे सब लोग मेरा साथ, फिर देखती हूँ वीरा कर क्या सकती है। जाई जी, पता क्या हुआ, वीरा ना बलदेव की पंचायत वाली मीटिंग में पहुंच गई थी, बलदेव ने भगा दिया उसको वहां से। और तो और घर आके ना पंचायत की मीटिंग की सारी बातें उसने मुझे ही बताई, वीरा को कुछ नहीं बताया। सच्ची परजाई जी, मेरा पुत्र मैंने वापस मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों है परजाई जी, परेशान लग रहे हो तुम? तेनू बताने का क्या फायदा, तेनू कुछ पड़ी है क्या? मैंने तुझसे कहा था ना आज मेरे कुछ मेहमान आने वाले, तूने एक बार भी पूछा कि क्या हुआ परजाई जी, अब तक आपके मेहमान आए क्यों नहीं? बस तो दिन में ही आ जाती है, अब रात हो गई, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या होगा। ताई जी, ये कौन है परजाई जी? मेरी बहू गीत, तो मेरी पोती दीपू। मैंने माफ कर दे गुंजन। किस बात के लिए? तू डॉक्टर के पास से आई और मैं तुझ पे ध्यान ही नहीं दिया। ओ, मैं दीपू के चक्कर में। बहुत प्यारी बच्ची है ना? हाँ, बहुत प्यारी। बच्चे तो होते ही प्यारे हैं। तभी तो मैं चाहता हूँ कि हमारा भी एक बच्चा हो। गुंजन, दीपू ने घर में आके ना बाप बनने के अरमान दोबारा जगा दिए। अरे गुंजन, तू डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या बोला डॉक्टर ने? कैसे बताऊं कि डॉक्टर ने क्या कहा? वो भी आज, जब एक अनजान बच्ची ने तेरे मन में पाप बनने के अरमान फिर से जगा दिए। बोला? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ था, तभी तू डॉक्टर के पास गई थी, और उस कुछ का कुछ नाम भी होगा। अब वो तनाव के कारण हुआ है, डॉक्टर ने कहा है मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तनाव के कारण? मेरी गलती है, मैं तेरा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता। नहीं, मैं बस एक मिनट में आई। Oh, my God.
कितनी बड़ी भूल होगी मुझसे। जब उसने बच्चा खोया तो उसे सबसे ज्यादा खालीपन महसूस हो रहा होगा, और उसका खालीपन को प्यार से भरने की बजाय मैं उससे नाराज घूमता रहा। बेचारी अपनी हालत से अकेली जूझती रही। फिर ये एक तरफ गाने का केस और दूसरी तरफ मेरी उसके भाई के साथ लड़ाई। तनाव तो होना ही है, एक तरफ पति और एक तरफ भाई। लेकिन मैंने उसे और परेशानी होने देना, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करनी है मैंने। ये है आपका कपड़ा, इतना बड़ा चिंचड़ी। दीपू ये क्या बोल रही हो तुम? इनको बुलाता है इस नाम से। हाँ वो दरअसल मेरी चाची जी है ना, वो मैनू चिंचड़ी कह के बुलाती है, और आप भी मैनू बुला सकते हो। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मैनू बता देना, शर्माना बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ भी चाहिए तो बता दूं। तो मैं साबित कर ले चलो ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आपकी दादी भी कितनी अच्छी थी, मेरी दादी से भी अच्छी। दीपू ये कुछ भी बोलती रहती है। अरे कोई गल नहीं, बच्ची है। इन्होंने कहा ना शर्माना मत, तो आपकी सुनना रही हो। हाय बाकी आपकी बेटी ना बहुत प्यारी है सच्ची। हमारे घर में ना बस कुछ ही देर में पीजी चाई जी सबका दिल जीत लिया। यकीन मानिए यहाँ पर भी ना बहुत जल्दी सबका दिल जीत लेगी। पर जाई जी कमाल कर दो तुसी भी, इतने दिनों से कह रहे थे मेहमान आने, एक बार बता तो देते आपकी बहू आने वाली है, पोती आने वाली है। सच्ची बच्ची के लिए कोई खरीदारी कर लेती मैं। इसी वास्ते तो नहीं बताया, पहले ही तो इतनी सारी बातों को लेके परेशान है, ये भी बताती तो एक और काम लाद लेती अपने दिमाग में। वैसे अचानक कैसे आना हुआ गीत का? मैं इतने दिनों से तेरे से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर पहले पंचायत की किचकिच, फिर बलदेव घर छोड़ के चला गया, तो इन सारी बातों के बीच मौका ही नहीं मिला तुझे बताने का। क्या बताने का मौका नहीं मिला? ऊपर जाइए जी, गीत बहू है आपकी, उसका पूरा हक बनता है इस घर में रहने का, उस वीरा से तो कहीं ज्यादा बनता है। कम से कम आपकी खुशी से तो आपकी बहू बनी है वो। गीत यहाँ सबसे मिलने के वास्ते नहीं आई है, वो किसी मकसद से आई है यहाँ। देख बंसरी, बलदेव और वीरा का रिश्ता तो खत्म समझो, पर वैसे भी वो वीरा बलदेव पुत्र के लायक ही नहीं थी, इसीलिए मैंने गीत को यहाँ बुलाया है बलदेव के साथ ब्याह करने वास्ते। की कह रहे पर जायसी क्यों, एक बार में बात सुनाई नहीं थी? देख बंसरी, मैंने सब कुछ सोच लिया है, गीत और बलदेव एक दूसरे के लिए एकदम अच्छे रहेंगे, और वैसे भी जीत तो आखिर तेरी ही होनी है। तू चाहती थी ना कि वीरा इस घर से बाहर चली जाए और तुझे ऐसी बहू मिले जो तेरी हर बात माने। गीत ऐसी ही है, बिल्कुल गाय है, तेरी पूजा करेगी, तू जो बोलेगी मानेगी। तो इसलिए आप आई हैं यहाँ पे, ये इरादा था आपका? हाँ मतलब इरादा है पंसरी, गीत हमारे खानदान की बहू है, अब वो तेरे घर की बहू बन जाएगी। और आपको लगता मैं ऐसा होने दूंगी? कभी नहीं। गीत एक विधवा है पर जाइए, एक बच्चे की माँ, उसका वह मेरे पुत्र से कभी नहीं हो सकता। अभी जाके बलवंत जी को सब बताती हूँ, आज आपको घर से नहीं निकाला ना तो देखना। बंसरी तेनू क्या लगता है कि मैं बिना सोचे समझे यहाँ आई? मैनु कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या लगता है क्या नहीं, और आप क्या करने वाली हो। मैं अपने पुत्र की जिंदगी बर्बाद नहीं होते देख सकती। पहले वीरा की वजह से ना परेशान रहता है वो, और वैसे भी कि किस्मत में ना कोई हूर परी लिखी है, कोई विधवा नहीं। आप भी क्या क्या सोच के आ गई हो यार, अभी जाके आपका कच्चा चिट्ठा खोलती हूँ सबके सामने। अच्छा, जिसने खुद एक इतना बड़ा राज छुपाया हो वो मेरा कच्चा चिट्ठा खोलेगी? भूल गई बंसरी, शादी की रात मंडप छोड़ के भाग गई थी तू तो।
अपने उस आशिक के पास, लेकिन उसने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तो फिर छुपते छुपाते सबकी नजरों से बचा के तुझे मंडप तक कौन लाया? मैं बंसरी, मैं। तुझे तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए बंसरी, मेरी हर बात आंख बंद करके माननी चाहिए। और तू तो मुझे घर से बाहर निकालने की बात कर रही है। वैसे 7 महीने में हो गया ना बलदेव तेरे, सबसे कहा था कि 7 महीने का बच्चा है, 4.5 किलो का बच्चा 7 महीने, मैंने तो पहली बार देखा है। परचाई जी, ये इल्जाम मत लगाओ, बलदेव बलवन जी का बेटा है। हाँ, ये तू बोल रही है मंत्री, लेकिन जो औरत अपना शादी का मंडप छोड़ के भाग जाए उसकी बात पे कौन विश्वास करेगा? मैंने तेनू कहा ना बंसरी, मैं यहां सब कुछ सोच समझ के आई, या तो मेरा साथ दे या मैं तेनू सड़क पे ले आऊंगी। तेरी किस्मत अब मेरे हाथ में, अगर मेरा साथ देगी ना तो राज करेगी। मेरी बहू बहुत अच्छी है बंसरी, तेरी हर बात मानेगी, लेकिन तेरी बहू वीरा, अगर उसे ये सारी बातें पता चल गई ना तो हंगामा करके सबसे पहले धक्के मार के घर से तुझे बाहर निकालेगी। देख बंसरी, तेरे पास ना मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। आप पर जाई जी, आपके और मेरे मानने से बलदेव गीत से ब्याह करने के लिए राजी थोड़ी होगी। वो सब तो मुझ पे छोड़ दे। अगर मैं बलदेव के दिल में उस वीरा के लिए नफरत पैदा कर सकती हूँ तो उसके दिल में गीत के लिए प्यार भी पैदा कर सकती हूँ। और फिर उस राजकुमारी के सामने दुष्ट राक्षसी आ गई, और पता है आपको फिर उसके बाद क्या हुआ? दीपू बाहर जाओ। अभी दीपू जी मैंने कहानी सुना रही है। दीपू बहस मत कर पुत्र, जा। मैं तेनू यहाँ दीपू को कहानियां सुनाने वास्ते लाई हूँ। नहीं नहीं बीजी, याद है ना तेनू करना क्या है, या फिर सब कुछ भूल गई? याद है। मेरे किए कराए पे पानी मत फेरना, हमारी किस्मत का फैसला करेगा तेरा हर कदम, याद रखना, वरना रास्ते पे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। याद रखियो खसमानो खानी, अगर कोई भी गलती हुई ना तो तेरा वो हाल करूंगी तू जिंदगी भर याद रखेगी। तेन याद है ना जब भी तू मेरे खिलाफ गई है मैंने तेरा क्या हाल किया है? याद है? याद। अरे दीपू, ऐसे की गले हो? मैंने कमरे से बाहर निकाल दिया तो मैं यहाँ भागूं गई। कमरे से बाहर निकाल दिया? किसने निकाला आपने? दादी ने। बीजी मैंने कहानी सुना रही थी और दादी आके मैंने कमरे से बाहर निकाल दिया। पता नहीं वो राक्षस ने राजकुमारी के साथ क्या किया। नहीं दीपू, ऐसी गल नहीं करते। ओफो, मैं वो कहानी की बात कर रही हूँ जो मैंने बीजी सुना रही थी। आप वो कहानी खत्म करो, मैं किताब लेके आती हूँ। अच्छा जी, कहानी सुननी है? एक शर्त है नानू की, इस दूध का ग्लास है ना पूरा खत्म हो जाना चाहिए अच्छे बच्चे की तरह, और ये दूसरा ग्लास मैं तुम्हारी बीजी नू देकर आती हूँ, फिर बताती हूँ।
उस दुष्ट राक्षस ने क्या किया राजकुमारी दिनाल, ठीक है? पी लेना फटाफट। कौन खुल के सुन ले मेरी बात, तेनु इस घर में सबका दिल जीतना है, खास करके बलदेव का। वैसे तो सिर्फ नाम के वास्ते अब तक वो वीरा का पति है, लेकिन दिल से उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। जब मैं यहां पहली बार आई थी और मैनू ये पता चला था कि बलदेव का विवाह हो गया है, मेरा तो दिल बैठ गया था। बहुत इंतजार करने के बाद मैनू पता चला कि उन दोनों का रिश्ता खत्म होने ही वाला है, काफी अनबन है दोनों के बीच। इसी वास्ते मैंने तेरे को यहां बुला लिया। अब आगे जो भी करना है वो तेनू करना। अगर तूने सब कुछ अच्छे से किया ना तो ये सब हमारा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही कर। गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? जी बीजी। गीत, मैंने आपके वास्ते दूध गर्म किया, पी लीजिएगा। वीरा, गीत नू समझा रही। जानती हूँ ताई जी कि आप क्या समझा रही थी गीत नू। यही समझा रही थी ना कि उनके कारण घर वालों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आप भी ना ताई जी, वो इतनी प्यारी हैं, मिलनसार हैं, उनकी वजह से थोड़ी ना कोई तकलीफ आ सकती है। ध्यान रखिएगा, चलती हूँ। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की वजह से ये किया गया है। ई कॉमर्स कंपनियों के साथ कारोबार से डाक विभाग अंसरी जी, मैं इतनी देर से समाचार देख रहा हूँ, आपने एक बारी जितनी की अपना सीरियल देखने के लिए। अब वो देखो ना, आपने जो देखना है, मेरा मन नहीं है। बलदेव पुत्र रुकना, अपनी बीजी को बैठना और अपने पापा जी को बताओ तेरी पहली पंचायत वाली वड्डी मीटिंग में क्या क्या हुआ। आजा। अरे बीजी, वो हाँ, अरे पापा जी, आज पंचायत में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। हाँ, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सबको फैसले बड़े पसंद आए। हमने ये फैसला लिया है कि खेती के लिए हम देसी बीज इस्तेमाल करेंगे। वो भी देसी बीज नहीं, जैसा कुछ लोग चाहते थे। अच्छा, और क्या क्या फैसले बताना? और फिर वही वो जमीन को लेके झगड़ा, और ना एक बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा है पिंड के बीचों बीच, तो लोग चाह रहे हैं कि वहां पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क बने। क्या है ना, पार्क बनाने में बड़ा खर्चा है, लेकिन पापा जी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो लोग इस जमीन को खरीदना चाहते हैं और गोदाम बनाने के लिए। उसे भी तगड़े मिल रहे हैं, मतलब पंचायत को पैसे मिल जाएंगे। मैं सोच रहा था कि हाँ, मेरे हिसाब से ना बाकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब हम भी इसी पन के हैं, यहीं पले बड़े हैं, बचपन में हमारे लिए तो पार्क नहीं था, हम तो ऐसे आजू बाजू खेलते रहते थे, तो फिर अब की जरूरत है? बल्कि मैनू तो लगता है उस जमीन पर ना वो गोदाम ही बनना चाहिए, पंचायत को पैसे भी मिल जाने। क्यों किसी ने तेरी राय मांगी तुझसे? मतलब हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है ना तेनु? और सुन, मतलब क्या है तेरा, पार क्यों नहीं होना चाहिए पिंड में? अरे बच्चों के खेलने के लिए अगर एक ढंग की जगह मिल जाए तो तेनु को इतराज है क्या? यही गोदाम बनना चाहिए और पिंड को पार की जरूरत है, समझी? नहीं, मैं
मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आखिर सरपंच तू ही है, कर ले जो तेरे मन में आए। बस मेरा तो ख्याल था कि एक मिनट, तेरे ख्याल ना तू अपने पास रख, मैं सरपंच हूँ पिंड का और मेरा फैसला ये है कि पिंड में पार्क होना चाहिए। मेरा पुत्र अपनी मर्जी का मालिक है, उससे कोई कुछ जबरदस्ती करवा ही नहीं सकता। चलने दो परजाई जी को अपनी चाल ले, मेरे को पता है मेरा पुत्र उनकी चालों में आने नहीं वाला, मैं अभी परेशान हो रही हूँ। बस जी बहुत समाचार सुन लिए, और मेरा फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।